तो भाई ये अपने सामने खड़ी है 2023 अर्बन क्रूजर हाईराइडर। ये है इसका ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट। इसकी एक्स शोरूम जो प्राइस है वो भाई 10,73,000 रुपये, और ऑन रोड ये आपको 36 टोयोटा पलवल में पड़ जाएगी भाई लगभग 12 लाख रुपये के आसपास। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी क्या क्या चीज़ ऑफर करती है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। कोशिश रहेगी आपको एक स्मॉल से स्मॉल डिटेल इसकी बताने की। लेकिन भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग क्या करते हो भाई, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। साथ में जो बेल आइकन है भाई उसको भी प्रेस कर लेना। सामने मिल जाता है भाई ये टोयोटा का लोगो, और पियानो ब्लैक में दे रखी है भाई ये ग्रिल, और ऊपर दे रखा है भाई ये क्रोम का एलिमेंट। काफ़ी शानदार लग रहा है। नीचे चलते हैं भाई, नीचे जो आपको इसकी रेडिएटर ग्रिल है वो भी भाई पियानो ब्लैक में मिल जाती है, काफ़ी शानदार लग रही है। नीचे जो भाई आपको ग्रे कलर में मिल जाती है इसकी स्किड प्लेट, और इधर हो गया भाई नंबर प्लेट के लिए। हेडलाइट्स की बात करते हैं तो भाई ये है इसका कुछ हेडलाइट्स का सेटअप। ये आपको मिल जाता है भाई प्रोजेक्टर हेलोजन में, हाई बीम और लो बीम के लिए यही काम करेगा। इसको ऊपर दे रखी है पियानो ब्लैक की बढ़िया सी फिनिश। ऊपर चलते हैं भाई, ये इधर हो गया इसका DRL LED में, और ये इधर हो गया भाई इसका हेलोजन में इंडिकेटर। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई इसकी डायमेंशंस की, तो भाई 1795 mm इसकी विड्थ। साइड में चलते हैं, हाइट है इसकी भाई 1645 mm, और जो है 4365 mm जो है इसकी लेंथ है। एक बार करते हैं भाई टायर प्रोफाइल की बात, तो टायर प्रोफाइल आपको इसमें मिलती है 215/60/R17 यानी कि 17 इंच के आपको जो इसमें स्टील रिम मिल जाते हैं, और ये व्हील कवर्स के साथ। और टायर जो है भाई वो अपोलो का दे रखा है। ऊपर देखते हैं भाई ये बढ़िया सी, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मतलब क्लैडिंग मिल जाती है मैट ब्लैक में, वाइट कलर के साथ जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। व्हील बेस की बात कर लेते हैं भाई, तो इसमें आपको जो है 2600 mm का जो है व्हील बेस मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 210 mm है, और सामने जो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है। नीचे इधर भी भाई मैट ब्लैक में जो है क्लैडिंग दे रखी है, काफ़ी सही है। अब बेस मॉडल में जो है आपको भाई, एक तो इसके ORVM जो है वो आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड, और ORVM पे ही दे रखा है भाई इंडिकेटर, ये काफ़ी सही है, वरना बेस मॉडल में क्या होता है फेंडर पे दे देते हैं। अब इसका जो ए प्लर है वो आपको मिलता है बॉडी कलर्ड, बी प्लर है वो मिलता है भाई मैट ब्लैक में, और पीछे दे रखा है एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास। और इसके जो डोर हैंडल है ना भाई वो आपको जो है बॉडी कलर ही मिल जाते हैं बेस मॉडल में ही। और सामने के डोर पे भाई ड्राइवर साइड जो है रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है, और को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। अब चलते हैं एक बार इसके पीछे, तो भाई ये इसकी शानदार सी लुक। बैक की बात कर लेते हैं भाई, पीछे टोयोटा का लोगो, ये है भाई सिल्वर में इसकी फिनिश दे रखी है। ऊपर ग्लास पे बात करते हैं, रियर वाइपर आपको नहीं मिलता लेकिन बेस मॉडल में भाई आपको डिफॉगर दे रखा है। ऊपर हो गया ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उसके ऊपर हो गया भाई ये शार्प पिन एंटीना। इधर दे रखी है भाई वेरिएंट की बैजिंग, और इधर दे रखा है अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग। टेल लाइट्स की बात कर लेते हैं भाई, ये इधर आपको जो है इसकी LED में मिल जाती है भाई टेल लाइट्स, ये जो है आपको रात में और ब्रेक लगने पर जलेगा। नीचे चलते हैं भाई, ये इधर दे रखा है भाई एक रिफ्लेक्टर, ये हो गया इसका इंडिकेटर, और ये है भाई रिवर्स लैम्प। पीछे जो है भाई आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और एक उधर 4। इसके पीछे भाई आपको ग्रे कलर में जो है स्किड प्लेट मिल जाती है, जो वाइट और मैट ब्लैक के साथ ना भाई इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। और भाई ये इधर दे रखा है इसका 45 लीटर का जो है पेट्रोल में फ्यूल टैंक। अब चलते हैं भाई इसके ड्राइवर सीट की तरफ। अंदर चलने से पहले भाई एक बार आपको इसकी चाबी दिखा देते हैं, तो भाई ये कुछ इस तरह की मिलती है इसकी चाबी, लॉक अनलॉक और बस। ये भाई इसकी अंदर से लुक फुल ब्लैक, और थोड़ा बहुत जो है सेटिन क्रोम का एलिमेंट जो है यूज़ किया गया है, काफ़ी शानदार लग रही है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। तो भाई डोर पे इधर जो है सॉफ्ट टच बेस मॉडल में ही, ये हार्ड प्लास्टिक है पूरा, ठीक है। इधर दे रखी है भाई ये सेटिन क्रोम की फिनिश, और क्रोम में मिल जाता है आपको इसका डोर हैंडल। ये इधर हो गई भाई चारों पावर विंडोज़ बेस मॉडल में ही, और ड्राइवर साइड जो है वन टच ऑटो डाउन एंड अप, ये हो गया लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडोज़ को लॉक करने के लिए। और ये हो गई भाई इसकी ORVM के, ORVM जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल भी है। नीचे भाई ये हो गया एक बॉटल होल्डर, ये हो गई मैप पॉकेट। चलते हैं भाई इसके अंदर,
सीट्स की बात कर लेते हैं भाई। बेस मॉडल में ही आपको जो सीट्स हैं ना वो हाइट एडजस्टेबल मिलती हैं, मतलब इसकी हाइट भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सीट्स जो है नॉर्मल आपको फैब्रिक में मिलती हैं, लेदर वगैरह में नहीं है क्योंकि भाई बेस मॉडल है इतना तो चलता है। लेकिन सीट्स जो है भाई आई थिंक भाई थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। चलते हैं भाई इसके अंदर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर। ये है इसका भाई शानदार सा स्टेयरिंग। स्टेयरिंग पे जो कोई भी लेदर है वगैरह नहीं मिलता। बीच में दे रखा है टोयोटा का लोगो। ये इधर भाई सैटिन क्रोम की जो है प्यारी सी फिनिश दे रखी है। नीचे भी आपको सैटिन क्रोम की फिनिश दे रखी है, काफ़ी सही लग रहा है। और ये इधर दे रखी भाई एयरबैग की बैजिंग। अब इसमें जो आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, जो कि स्टैंडर्ड है। और भाई बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये आपको जो है स्टैंडर्ड ही मिलते हैं क्योंकि भाई BS6 फेस 2 आ चुका है, उसके नॉर्म्स को ये जो है कम्प्लीट करती है। और भी जो सेफ्टी फीचर्स होंगे वो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, देख लेना भाई। अब स्टेयरिंग को देखते हैं भाई। स्टेयरिंग जो है भाई टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है भाई। तो इसका जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ आता है। इधर दे रखे हैं भाई ये हेडलाइट्स के कंट्रोल, इधर दे रखे हैं इसके वाइपर के कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भाई ये बेस मॉडल में ही आपको जो है इसका पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है और ये बढ़िया सी क्रोम की फिनिश। ऊपर दे रखे भाई ये AC वेंट इसका और मैट ब्लैक में जो है फिनिश, और छोटा सा ये दे रखा है भाई क्रोम का एलिमेंट। नीचे मिल जाता है भाई इसके हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट करने के लिए, और बाकी ये जो सब कुछ है ये भाई ब्लैंक है अभी, ठीक है भाई। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो भाई ये इसका कुछ शानदार सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इधर हो गया भाई इसका टैकोमीटर, ये हो गया स्पीडोमीटर, इधर हो गया भाई इसका ये फ्यूल गेज, और ये डोर वार्निंग के लिए भी इधर दे रखा है। और बीच में जो है ना भाई ये है इसकी MID, तो भाई आप यहाँ से अपनी ट्रिप वगैरह की डिटेल्स मोड वगैरह सेट कर सकते हैं, और इधर जो है ट्रिप वगैरह की रेंज वगैरह निकाल सकते हैं कितनी, मतलब क्या कुछ वो दे रही है एवरेज वगैरह, ठीक है भाई। इधर की बात हो चुकी है। अब इतने भाई इसमें फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं निराश करती है भाई, इतने फीचर्स के बाद भी इसमें एक छोटा सा स्टीरियो वगैरह भाई कुछ तो दे देना चाहिए था। इसमें भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है इसमें स्पीकर्स भी नहीं होंगे क्योंकि भाई बेस मॉडल है, ठीक है। नीचे की बात करते हैं भाई, इधर दे रखे हैं इसके दो AC वेंट, और AC वेंट्स के ऊपर ये बढ़िया सी सैटिन क्रोम की फिनिश। ये हो गया हजार्ड का बटन, और बेस मॉडल में भाई आपको इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो भाई ये काफ़ी सही चीज़ लगी और देखने में भी जो है भाई काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इंजन का आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये हो गया अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इधर हो गया भाई एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और इधर कुछ स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ये हो गया भाई इसका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, बढ़िया सा लेदर वगैरह दे रखा है, सही है। ये इधर हो गई भाई इसकी ब्रेक, ब्रेक के ऊपर क्रोम का एलिमेंट। नीचे भाई दो मिल जाते हैं आपको इसमें कप होल्डर्स, और ये इधर दे रखा है भाई इसका आर्मरेस्ट जो कि है एडजस्टेबल, और अंदर जो है भाई थोड़ा वो स्पेस भी है। सीट्स की बात हो गई भाई, काफ़ी कंफर्टेबल हैं लेकिन फैब्रिक में है, आप लगवा सकते हो भाई लेदर कवर वगैरह आपको चाहिए तो। ग्लव बॉक्स देखते हैं भाई, ग्लव बॉक्स जो है मतलब ठीक ठाक साइज है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये इधर हो गई भाई ये बढ़िया सी सैटिन क्रोम की फिनिश जो यहाँ तक आती है, और ये इधर भी हो गई। ऊपर चलते हैं भाई, ये इसका मैनुअली एडजस्टेड डे एंड नाइट IRVM, सही है। वैनिटी मीटर देखते हैं भाई, ड्राइवर साइड दे रखा है और को ड्राइवर साइड भी भाई दे रखा है आपको वैनिटी मीटर, ये भी सही है भाई बेस मॉडल में, लेकिन लैंप वगैरह कुछ नहीं है। और ये इधर हो गया भाई कैबिन लैंप इसका हेलोजन में, दो हैं भाई, सही है। और लगभग जो फ्रंट की बात हो चुकी है, डैशबोर्ड जो है भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब सामने से जो लुक है ना भाई वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं भाई इसकी सेकेंड रो में। नीचे भाई आपको ये हो गया एक्सेलरेटर, ये हो गया ब्रेक, और ये होगा क्लच, और एक दे रखा है भाई आपको इसमें डैड पेडल, ये भी सही है। तो भाई पहले बैक डोर पे भी इधर आपको भाई सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक सैटिन क्रोम की फिनिश, और क्रोम में डोर हैंडल, ये हो गई पावर विंडोज़ का बटन। नीचे बॉटल होल्डर और थोड़ा बहुत और स्पेस है स्पीकर के लिए जो जगह दे रखी है, लेकिन स्पीकर वगैरह इसमें नहीं आते हैं। चलते हैं भाई इसके अंदर। सामने के जो भाई दो हेडरेस्ट हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, दोनों आपको जो है एडजस्टेबल मिलते हैं।
ठीक है। और पीछे भी जो है ना भाई, आपको बेस मॉडल में तीन हेडरेस्ट मिल जाते हैं और तीनों के तीनों जो है एडजस्टेबल है। ये इधर मिल जाता है भाई आपको इसका आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट में भी कप होल्डर्स वगैरह दे रखे हैं। सही है भाई, फैब्रिक में है, सही है। सीट्स की बात कर लेते हैं भाई, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और लेग रूम तो भाई है ही अच्छा खासा, ठीक है। इधर की बात करते हैं भाई, ये मिल जाते हैं आपको इसके एसी वेंट, और नॉर्मल सी है भाई मैट ब्लैक में, और ये हो गए भाई इसके फ्लो को एडजस्ट करने के लिए। ये इधर नीचे कुछ स्पेस दे रखा है अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए, लेकिन कोई भी भाई आपको पावर सॉकेट वगैरह इसमें पीछे नहीं मिलता। और पीछे के लिए भाई आपको इधर दे रखी है भाई रीडिंग लाइट्स, एक ये है एंड एक हो गई भाई ये, हेलोजन में ही दोनों, ठीक है। और तीन आपको मिल जाते हैं भाई इसमें ग्रैब हैंडल्स, एक दो एंड एक ये रहा विद कोट हैंगर, ठीक है भाई। ये अंदर की बात हो चुकी है लगभग। हम्प देखते हैं भाई, हम्प जो है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही है भाई, तीन बंदे जो है आराम से बैठ सकते हैं। तो भाई सेकंड रो की बात हो चुकी है, अब चलते हैं भाई आपको इसका बूट दिखाते हैं। और एक चीज इधर भाई, तीनों पैसेंजर्स के लिए दे रखे हैं भाई सीट बेल्ट्स, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो भाई अब करते हैं इसकी बूट को ओपन। बूट ओपन करने के लिए भाई नीचे दे रखा है एक बटन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इधर हो गए भाई ये नंबर प्लेट के लिए लाइट्स वगैरह दे रखी हैं। इसको करते हैं ओपन। ये भाई 373 लीटर्स का आपको एक अच्छा खासा जो है बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन अगर फिर भी ये स्पेस भाई कम पड़े तो इसकी जो ये सेकेंड रो की सीट्स हैं भाई, ये 60-40 के रेशो में जो है ना आगे फोल्ड हो जाएंगी भाई। यहाँ पे दे रखा बटन, यहाँ से भाई अपन को होल्ड कर सकते हैं। ये हो गई भाई फोल्ड, ठीक है, इनको करेंगे बाद में एडजस्ट। एक बात दिखा देते हैं भाई आपको इसका स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील जो है भाई आपको इसका वही 215/60 और 17, मतलब 17 इंच के आपको इसमें स्पेयर व्हील मिल जाता है अपोलो का। इसमें आप भाई टायर दे रखा है आपको, काफ़ी सही है। इसको करते हैं भाई बंद, ठीक है भाई, और इसको करते हैं यहाँ से बंद। इधर दे रखा भाई एक हैंडल इसको बंद करने के लिए, ऐसे भी मतलब आप इसको बंद कर सकते। ये हो गया अभी बंद। अब एक बार आपको इसको दिखाते हैं भाई इंजन। तो भाई यहाँ से किया इसका बोनट ओपन, भाई हुड जो है काफ़ी भारी है इसका। ऊपर दे रखा भाई ये इंसुलेशन पैड इंजन नॉइस को कम वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये है भाई इसका शानदार सा इंजन। इसमें आपको मिलता है भाई 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है भाई 101 bhp की पावर और 136 nm का टॉर्क। इसकी माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको भाई 21 किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज आराम से निकाल के दे देगी। नीचे जो है भाई इंजन गार्ड वगैरह दे रखा है आपको बेस मॉडल में, ये काफ़ी सही है और देखने में भाई काफ़ी शानदार लग रहा है। एक साइड की जो है इसमें बैटरी दे रखी है आपको। इसको करते हैं भाई बंद। तो भाई ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर बेस मॉडल का, यानी कि ई वेरिएंट का। इसकी एक शोरूम जो प्राइस वगैरह है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर किसी भाई को ये लेनी हो ना तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।